मैंने सीए एग्जाम्स कैसे क्लियर करे? आई हैव रिसीव्ड दिस क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स कि दीदी आप अपना प्लीज स्केड्यूल शेयर कर दीजिए जब आपने सीए एग्जाम्स के टाइम फॉलो किया था. सो हियर इट इज. इफ यू वांट टू नो माय स्केड्यूल व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीए एग्जाम्स इन सीए इंटरमीडिएट एंड इन सीए फाइनल देन डू वॉच दिस वीडियो. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल. माई नेम इज तन्वी सुखीजा एंड I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. सबसे पहले तो हम foundation की बात कर लेते हैं. जो foundation थे मेरे time में it was CA CPT exams. It was basically an objective type of question paper. So उसके लिए मैं इतना बहुत religiously नहीं पढ़ाई करती थी because मेरे मन में उतनी seriousness नहीं थी उस time. सो मैंने वो ज़्यादा दिन पढ़ाई नहीं करी थी. सो आई डोंट थिंक आई एम एन एक्सपर्ट देयर टू शेयर माई ओपिनियंस कि कैसे मैंने पढ़ाई करी, क्या स्केड्यूल फॉलो किया. सो फॉर फाउंडेशन आई बिलीव यू आर योर ओन गाइड, यू आर योर ओन एक्सपर्ट. आपको पता है आपको कैसे पढ़ना है, आप अपना वैसे पढ़ सकते हैं. एंड इफ यू वॉन्ट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट सी ए फाउंडेशन और हाउ यू शुड स्टार्ट स्टडिंग फॉर सी ए फाउंडेशन फ्रॉम क्लास 12th और whatever it is related to CA foundation, I have created separate videos on that. You can definitely watch them. Now coming to second category, which is CA intermediate exams. जी हाँ, CA intermediate exams में मेरे time में क्या होते थे, दो groups होते थे. First group में 4 paper होते थे, second group में 3 papers होते थे. तो क्योंकि मैं college regular कर रही थी इसलिए मैंने दोनों groups अलग अलग दिए थे, like first group in May attempt and second group in November attempt. तो मैंने कैसे कैसे पढ़ाई करी थी, बिकॉज मेरा कॉलेज भी रेगुलर था तो मुझे कॉलेज भी जाना होता था, कोचिंग भी जाना होता था और पढ़ाई भी करनी होती थी अपने सीए एग्जाम्स के लिए. तो सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज यू नो यू हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स एट वंस एंड सिंस यू डू नॉट हैव इनफ नॉलेज कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, नो वन इज देयर टू गाइड यू, तो बहुत सारी हौचपौच हो जाती है एकदम से. बट एक बार आपको हैबिट बन जाए, आपकी आदत पड़ जाए ना, तो इट्स नथिंग लाइक. बट धीरे धीरे जब आपकी हैबिट बन जाती है, कंसिस्टेंसी बन जाती है, तो कुछ चैलेंज नहीं लगता है. बट स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी बिकॉज आपको लगता है ये मैं कैसे करूंगा, ये मुझसे कैसे हो पाएगा. तो मैं क्या करती थी, सुबह 6:30 उठती थी एंड 1 hour आई यूज टू गिव फॉर माई फिजिकल एक्टिविटी. आई यूज टू गो फॉर एरोबिक्स, 1 hour आई यूज टू डू एरोबिक्स एंड देन आई यूज टू कम बैक होम, प्रिपेयर फॉर माई कॉलेज, देन गो टू कॉलेज. कॉलेज के बाद मेरी 2 से लेकर 6:30 तक कोचिंग चलती थी बैक टू बैक फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जाम. एंड देन आई यूज टू रीच होम अराउंड 7:15 PM. उसके बाद थोड़ा फ्रेश होके 2 to 3 hours आई यूज टू स्टडी एंड देन मैं सो जाती थी. फिर वही स्केड्यूल कैरी ऑन होता रहा था काफी टाइम तक, जब तक मेरा इंटरमीडिएट क्लियर नहीं हुआ था ग्रुप 1. इंटरमीडिएट ग्रुप 1 क्लियर करने के बाद उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स रह गए थे ग्रुप 2 के, विच आई यूज टू डू. वही सेम स्केड्यूल चलता था जैसे ग्रुप 1 में चलता था. तो मैं क्या करती थी, आई यूज टू मेक इट अ हैबिट कि मैंने जो क्लासेस में पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करती थी, आके 2 to 3 hours देकर अपना होमवर्क करती थी और जो क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करती थी. सो दैट जो मेरा सिलेबस चल रहा है मुझे साथ साथ याद रहे और साथ साथ होता रहे. आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, बट अगर आप कंसिस्टेंटली वही करते रहोगे तो आपको बॉडी की हैबिट हो जाएगी कि ये हमें ऐसे करना है एंड देन आपसे हो जाएगा. ट्रस्ट मी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा एंड देन यू विल बी थ्रू इट. सी इंटरमीडिएट एग्जाम्स बाय गॉड्स ग्रेस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गए थे एंड उसके बाद आई हैव इनरोल्ड माइसेल्फ फॉर आर्टिकलशिप. आर्टिकलशिप के साथ सी ए फाइनल वॉज अ चैलेंजिंग बिकॉज मेरा कॉलेज भी था एज आई टोल्ड यू. तो 1 का कॉलेज बाकी था और सी आर्टिकलशिप थी एंड देन सी ए फाइनल एग्जाम्स थे. ऑल 3 वर प्रिटी डिफिकल्ट टू मैनेज, बट थैंकफुली इन माय टाइम मेरे कॉलेज में एक सी ए सेक्शन होता था, उसमें कॉलेज हमें 7 AM to 12 PM जाना होता था. सो दैट आपकी आर्टिकलशिप के साथ भी कोई कन्फ्लिक्ट ना हो और आपकी स्टडीज के साथ भी कोई कन्फ्लिक्ट ना हो. तो मैं 7 to 11 वाली क्लास पूरी रेगुलर अटेंड करती थी एंड देन आई यूज टू गो फॉर माई आर्टिकलशिप एंड उसके बाद कोचिंग, पेनड्राइव कोचिंग मैंने ली थी सीए फाइनल में मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स की. शाम को आके वो कोचिंग देख के उसका रिवाइज करके एंड देन आई यूज टू स्लीप. और शाम को आई यूज टू मेक इट अ हैबिट कि मुझे थोड़ी देर वॉक करने जाना है सो दैट आपको मेंटल पीस मिल जाए, आपको फिजिकल एक्टिविटी मिल जाए और आप सेन रहो. इतनी सब चीज़ों में आप अपनी हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ मत करना, अपनी हेल्थ पे आपको पूरा पूरा ध्यान देना है बिकॉज अगर आप हेल्दी नहीं होगे ना तो आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगे. और हेल्थ इज द मेन प्रायोरिटी. कुछ हेल्थ नहीं होगी ना, क्या आप एग्जाम्स दोगे, क्या पढ़ाई करोगे, कुछ सब वेस्ट है उसके आगे. तो हेल्थ शुड बी योर मेन प्रायोरिटी. आई हैव सीन पीपल नेग्लेक्टिंग देयर हेल्थ व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर सीए एग्जाम्स और व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम्स. बहुत खाने लग जाते हैं
और या फिर बहुत उनको स्ट्रेस हो जाता है. क्यों होता है? बिकॉज वो फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं करते हैं, अपने आप को मेंटली सेन नहीं रखते हैं. दिस इज वाई ऑल दी साइड इफेक्ट्स हैपन. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, सो दैट आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ. तो मेरे टाइम में आर्टिकलशिप 3 ईयर्स की होती थी. 1 ईयर के बाद मेरा कॉलेज खत्म हो गया था एंड उसके बाद आई वॉज कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन माई सी ए फाइनल एग्जाम्स एंड इन माई आर्टिकलशिप. आर्टिकलशिप के लिए आप काम करो, आप अच्छे से काम करो, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने आप को ओवरबर्डन ना करो. अपने आप को हीरो बनाने के लिए ज्यादा काम मत ले लो, बिकॉज यू शुड कीप इन योर माइंड दैट आपको सीए फाइनल के लिए भी पढ़ना है. ये नहीं है कि आपको सिर्फ आर्टिकलशिप का ही काम करना है. आई एम नॉट सेइंग कि आप मना कर दो सब काम को, बट काम करो एंड नो योर लिमिट्स कि आपको इसके बाद सीए फाइनल की पढ़ाई करनी है. अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर पाओगे तो टेक दैट एक्स्ट्रा वर्क, बट अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो उसको थोड़ा सा टैकल करना सीखो एंड स्ट्रेट अवे कम्युनिकेट कर दो कि मेरी कोचिंग होती है इस टाइम पे, तो आई वोंट बी एबल टू डू इट. मेरे टाइम में क्या होता था, मैं जब मेरा कॉलेज खत्म हो गया तब मैं एक कोचिंग सुबह ही लगा लेती थी अर्ली मॉर्निंग उठ के, एंड देन आई यूज टू गो फॉर आर्टिकलशिप एंड एक कोचिंग मैं शाम को लगाती थी. तो मैं 2 कोचिंग एक साथ चला रही थी उस टाइम पे एंड उसके बाद थोड़ी देर रिवाइज करके पढ़ के सो गई एंड देन दिस गोज ऑन लूप. Once you complete all your coaching ना, तो आपको अपना टाइम schedule डिवाइड करना है. आई यूज टू strategize my schedule कि मुझे इस टाइम तक फर्स्ट revision करनी है, इस टाइम तक सेकेंड revision करनी है, इस टाइम तक थर्ड revision करनी है, एंड डिवाइड द सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली, टॉपिक्स उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लेती थी एंड देन आई यूज टू स्टडी फॉर एग्जाम्स. और ब्रेक लोगे ना 4 घंटे आपको पढ़ाई करने के बाद 15 मिनट ब्रेक लेने हैं. जब आप सीए फाइनल के लिए पढ़ रहे हो मिनिमम आपको 11 से 12 घंटे रोज पढ़ना है अगर आपको सीए फाइनल क्लियर करनी है. और अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको मॉक टेस्ट पेपर देने हैं, आपको आरटीपी से अच्छा रिवाइज करना है और आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी होगी. बिकॉज अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको फ्लो नहीं समझ आएगा कि आप एग्जाम्स में कैसे लिखो. तो डेली आप 2 क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस करो, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल. इससे आपका फ्लो भी याद रहेगा और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ मुझे एग्जाम्स में ऐसे ऐसे लिखना है. आई एम श्योर दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू. दिस इज व्हाट आई यूज टू फॉलो ड्यूरिंग माई एग्जाम्स. And if you have any question, you can mention that in the comment section below. And video अच्छी लगी हो तो subscribe कर देना. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.